आज विश्व ओजोन दिवस है। इस दिन लोगों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया जाता है। पृथ्वी की सतह से करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की एक पतली परत पाई जाती है। इसे ही ओजोन लेयर या ओजोन परत कहते हैं। ओजोन ग्रह के लिए एक प्रकार के ढाल की तरह काम करती है, जो इकोलॉजी को बचाने का काम करती है। हर साल इस साल की नई थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। इस साल की थीम मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल यानी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करना रखी गई है। वैज्ञानिकों ने साल 1970 के अंत में ओजोन परत में छेद होने का दावा किया था। इसके बाद 80 के दशक में दुनिया के कई सरकारों ने इस समस्या को लेकर चिंतन करना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के कारण सड़कों पर ट्रैफिक नहीं होने और फैक्ट्रियां बंद होने से प्रदूषण फैलाने वाले काम नहीं हो रहे थे। इससे एक बड़ा फायदा यह हुआ कि इससे ओजोन लेयर में बना छेद भरने लगा था। लॉकडाउन से पहले प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा था। पृथ्वी के ऊपर चलने वाली जेट स्ट्रीम यानी ऐसी हवा जो कई देशों के ऊपर से गुजरती है, वह ओजोन लेयर में छेद की वजह से पृथ्वी के दक्षिण हिस्से की तरफ जा रही थी। लॉकडाउन के कारण वह पलट गई। साल 1995 में पहला वर्ल्ड ओजोन डे बनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत का संरक्षण करना था। इस परत के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक हर दिन कार्य कर रहे हैं, लेकिन आम व्यक्ति को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कम से कम CFC पदार्थ यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करना चाहिए। पंजाब केसरी के लिए सुरभि की रिपोर्ट।